अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुबई। मैं हूं अब्दुल्ला अता, आप देख रहे हैं दुबई आई। तो आज का जो हमारा विजिट है वो खोरफकान सिटी का है। खोरफकान बेसिकली बहुत ही फेमस बीच है। ये जो हदूद जो है इसकी, ये शारजा स्टेट के अंदर आती है, दुबई से अराउंड 150 किलोमीटर है, और लेकिन वो जीरा जो स्टेट है यूएई की, उसके बिल्कुल साथ है। तो आज हम ये आप लोग देखेंगे भी कि पहाड़ को पूरा फजीरा, आपने सुना भी होगा कि ये पहाड़ों में घिरा हुआ है, तो सारे रॉक माउंटेन्स हैं। तो जाके जो बीच भी है वो भी ब्राज़ील की तरह बीच है, यानी कि साइड से पहाड़ों की से घिरी हुई है, एक साइड पे सैंड है, बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है। और उधर वाटरफॉल भी है, 5-star होटल भी हैं। तो अगर आप विजिटर हैं, नए विजिटर हैं, तो आपको लाजमी इधर का विजिट करना चाहिए। और अगर आप यूएई के रेजिडेंट हैं तो फिर तो आपको मिस नहीं करना चाहिए पॉइंट। लेट्स वॉच। उतर रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये डाउन नजर आ रहा है, ये जो पूरी वादी है ये खोरफकान सिटी है। वैसे पहाड़ों से घिरी हुई वादी है। अभी हम इधर से उतर रहे हैं पहाड़ से। सामने बिल्कुल आपको नजर आ रहे होंगे ये पहाड़ है, सामने आपको क्रेन्स नजर आ रही होंगी। ये खोरफकान पोर्ट है, तो पोर्ट में इधर से माल, इधर बड़े बड़े शिप्स आते हैं, इधर माल डाउनलोड अपलोड होता है, शिप वगैरह पे होता है। ये एक नज़ारा आपको खोरफकान पोर्ट का भी दे दिया। ये आपको हरा भरा एरिया नजर आ रहा है खोरफकान का। ये इनसाइड खोरफकान सिटी है, बहुत ही ज़रखेज़ ज़मीन है। जो है मैदानी एरिया है वो इसका बड़ा ज़रखेज़ है। वैसे तो पहाड़ है, तो पहाड़ी एरिया है, तो माउंटेनस एरिया है, वो सारा खुश्क है, ड्राई माउंटेन है। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये खोरफकान एक्सपो की है। ये जो राइट साइड पे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये खोरफकान यूनिवर्सिटी की है, यूनिवर्सिटी ऑफ खोरफकान। तो इधर यूनिवर्सिटी भी है। ये जो क्रेन लगी हुई है ये खोरफकान पोर्ट पे लगी हुई है। अच्छा, तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जिस चीज का इंतजार था, जिधर पहुंचना था, जो हमारी आखिरी डेस्टिनेशन थी, जो आज की हमारी अट्रैक्शन है, वो है खोरफकान। इसलिए लिखा होगा ये खोरफकान कार्निश है। तो खोरफकान ये वाइल्ड कार्निश है जिसके साथ अटैच बीच है, बीच का विजिट कराएंगे। उसके बाद जो इसके साथ करीबी जो अट्रैक्शन पॉइंट है, एक वाटरफॉल है लाइक नायगरा वाटरफॉल, और ये जो बीच है ये माउंटेनियस हिली एरिया के दरमियान में है, जैसा कि ब्राजीलियन बीच है। और इसके अलावा इधर 5-star होटल है आगे एंड पे। सो लेट्स वॉच प्लीज। ये आप देख सकते हैं, ये समंदर है, साथ ही पोर्ट है कुछ, ये खोरफकान पोर्ट है बेसिकली। और ये कॉर्निश बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है इन्होंने। ये कॉर्निश का व्यू देते हैं, फिर आपको बीच पे लेके चलेंगे। कॉर्निश पे साइकिलिंग की फैसिलिटीज़ हैं, साइकिल आपने भी लेके आ सकते हैं, और रनिंग ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक है। इसके अलावा सिटिंग एरिया, कैफेज हैं, रेस्टोरेंट हैं, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं एक साइड पे पोर्ट है, दूसरी साइड पे कॉर्निश और बीच का ऑल टुगेदर सीन है। शॉप्स हैं, तो ये खूबसूरत एरिया। बीच आप देख सकते हैं, बीच पे लाइफ गार्ड मौजूद है, ये लाइफ गार्ड होते हैं,
लोग आए हुए हैं सुबह 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 की धूप इंजॉय करने यहाँ पे, और स्विमिंग करने भी आए हुए हैं। अभी क्योंकि हवा चल रही है, गर्मी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से स्विमिंग को ज़्यादा प्रेफर नहीं दी जाती। ये पैडल टेनिस कोर्ट है, साइड पे आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये पेड है। लोग धूप भी सन बाथिंग भी कर रहे हैं, और ये आपको नेट नज़र आ रहा होगा। इधर आप वॉलीबॉल भी इंजॉय कर सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं। लोग इधर सैंड पे रनिंग भी कर रहे हैं। आगे एरिया सारा प्ले एरिया। ये खोर फान बीच के साथ ओशियानिक होटल है, बेसिकली रिजॉर्ट एंड स्पा है, खोर फान रिजॉर्ट एंड स्पा। अच्छा, इसके सामने इधर KFC, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, हार्डीज, ये रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है जहाँ पे आपको खाना तनावर कर सकते हैं। खोर फान बीच के साथ जो भी अट्रैक्शन हैं वो आपको दिखानी है। नंबर वन जो आपको दिखा चुका हूँ, ये जीरा पोर्ट है, 5-star होटल है, और उसके बाद एक एम्फी थिएटर है, ओपन एयर थिएटर है, वो उसका आर्किटेक्चर आपको दिखाना है। उसके बाद नियाग्रा फॉल्स जैसा टोरंटो के मज़े आप खोर फान में ले सकते हैं, तो वो भी आपको दिखाना है। लेट्स वॉच। ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बेसिकली ओपन एयर थिएटर है, एम्फी थिएटर है, इसको खोर फान एम्फी थिएटर नाम है इसका। तो ये बिल्कुल पहाड़ के साथ है, ऊपर ये जो अट्रैक्शंस हैं, ये खोर फान का अगर आप विज़िट करते हैं तो ये अट्रैक्शंस लाजमी विज़िट करें, ये विजिटिंग पॉइंट है, ये लाजमी विज़िट करें। नेक्स्ट वील गो टू वाटरफॉल। अच्छा, ये एम्फी थिएटर है, ओपन एयर थिएटर के साथ ही ये फॉल है, वाटरफॉल है, ये आप देख सकते हैं। ये इधर का अट्रैक्शन पॉइंट है, इधर आप पिक्चर ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, इसके अलावा आप टिकटॉक के लिए शॉर्ट्स ले सकते हैं, यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स ले सकते हैं। बिल्कुल इसके सामने ये रोड है, रोड के साथ ही ये बीच है, ये जो आपको मैं पहले विज़िट करा चुका हूँ। तो ये आज की अट्रैक्शन थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, होपफुली यू विल इन्जॉय। आप देख सकते हैं पानी कितनी ऊंचाई से पानी नीचे गिर रहा है। अच्छा, अभी हम पहुंच चुके हैं बैक साइड पे, आप वाटरफॉल देख रहे हैं, ये है खोर फान का फेमस वाटरफॉल। मैं तो समझता हूँ कि यूएई का पूरे का सबसे हाइट पे जो वाटरफॉल है, जो सबसे हाइट से पानी गिरता है, वो यही जगह है खोर फान। खोर फान सामने बीच है, बीच पे आते हैं, विजिट करते हैं, तो लाजमी आप खोर फान पे आए, और ये वाटरफॉल के लिए भी पिक्चर्स बनाए, वीडियोस बनाए, ये बहुत ही खूबसूरत इंजॉयबल सीन है।